वेलकम बैक टू माई चैनल। इफ यू न्यू वीयर प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं जेल सुधार। जेल सुधार में जो है सुप्रीम कोर्ट का पैनल का कहना है कि ट्रांसजेंडर कैदियों के साथ कि जो है समान अन्य कैदियों के समान व्यवहार करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट को जेल सुधार समिति ने कहा है कि ट्रांसजेंडर कैदियों के साथ अन्य श्रेणियों के कैदियों के समान व्यवहार किया जाना चाहिए और उन्हें समान अधिकार और सुविधाएं मिलनी चाहिए। शीर्ष अदालत ने दायर रिपोर्ट में अपने अंतिम सारांश में शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय की अध्यक्षता वाली समिति से सिफारिश की है कि सभी स्तरों पर जेल कर्मचारियों सुविधात्मक प्रशासन विशेष रूप से सुरक्षा कर्मियों को पर्याप्त और नियमित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि उन्हें ट्रांसजेंडर कैदियों के साथ उचित रूप से बातचीत करने में सक्षम बनाया जा सके। इसमें कहा गया है कि ट्रांसजेंडर कैदियों के खिलाफ दुर्व्यवहार उत्पीड़न और हिंसा की घटनाओं पर अंकुश लगाया जाना चाहिए और इसे अकादमिक और नागरिक समाज के प्रासंगिक संस्थाओं व्यक्तियों के साथ कार्यशालाओं और प्रशिक्षण सत्रों की एक श्रृंखला के माध्यम से हासिल किया जा सकता है। समिति ने सिफारिश की कि राज्य सरकार और जेल विभागों को ट्रांसजेंडर कैदियों के खिलाफ सभी प्रकार की हिंसा भेदभाव और अन्य नुकसान को खत्म करने के लिए उचित और प्रभावी उपाय करने चाहिए। पैनल ने कहा कि ट्रांसजेंडर कैदियों के साथ अन्य श्रेणियों के कैदियों के समान व्यवहार किया जाना चाहिए और उन्हें दिए गए अधिकारों सुविधाओं स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा सुविधाओं तक पहुँच सहित का प्रयोग और अन्य श्रेणियों के कैदियों के बराबर व्यवहार होना चाहिए। 27 दिसंबर 2022 के अंतिम सारांश में 9 अध्याय हैं, जिसमें जेलों में अप्राकृतिक मौतों ट्रांसजेंडर कैदियों की और मौतों की सजा वाले दोषियों पर अध्याय शामिल हैं। सितंबर 2018 में शीर्ष अदालत ने जेल सुधारों से जुड़े मुद्दों को देखने और जेलों में भीड़भाड़ सहित कई पहलुओं पर सिफारिश करने के लिए न्यायमूर्ति रॉय की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया था। ट्रांसजेंडर कैदी शीर्ष वाले अध्याय में समिति ने कहा है कि यह देखना आवश्यक है कि ट्रांसजेंडर कैदियों को अन्य कैदियों से अलग करने की किसी भी और सभी प्रयासों सुरक्षा कारणों से परिणाम स्वरूप उनका एकांत अलगाव नहीं होना चाहिए। भारत भर में 1,382 जेलों में व्याप्त स्थितियों में संबंधित मामलों की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने 29 अगस्त को कहा कि पक्षों के वकील अंतिम सारांश में हिरासत में महिलाओं और बच्चों ट्रांसजेंडर कैदियों और मौत की सजा के दोषियों पर अध्यायों पर सहायता करेंगे, सिफारिशों का प्रभावी क्रियान्वयन होगा। शीर्ष अदालत ने मामले को आगे की सुनवाई 26 सितंबर को तय करनी है। अंतिम सारांश में समिति ने कहा कि उसे जेल में बंद ट्रांसजेंडर कैदियों की स्थिति के संबंध में 50% के एक सेट पर डेटा प्राप्त हुआ था। अपने प्रमुख निष्कर्षों में पैनल ने कहा कि 16 राज्यों ने पुष्टि की है कि कैदियों की पहचान की जाती है और जेल चिकित्सा अधिकारी द्वारा की गई जांच के आधार पर कैदी के स्वयं पहचान वाले लिंग को प्राथमिकता देने की बजाय जैविक पहचान और जन्मांग के आधार पर अलग किया जाता है। इसमें कहा गया कि केवल 13 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के जेल अधिकारियों ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों अधिनियम की धारा 11 के तहत लिखित जेलों में ट्रांसजेंडर कैदियों के अधिकारों के उल्लंघन की शिकायत से निपटने के लिए एक शिकायत अधिकारी नामित किया है। 2019 जो शिकायतों के निवारण के लिए तंत्र से संबंधित है, अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं नहीं बनाई हैं। मौजूदा कल्याणकारी योजना को उसके बनाने लिए बढ़ाया जा रहा है। केवल 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के विशेष रूप से प्रासंगिक कल्याण योजनाओं तक उनकी पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए जेल अधिकारियों द्वारा उठाए गए उपाय प्रदान किए हैं। सरकार द्वारा तैयार किया गया समिति ने नोट किया है। अपनी सिफारिशों में पैनल ने कहा कि मॉडल जेल मैनुअल 2016 को संशोधित करने की आवश्यकता है और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों अधिनियम 19 के अनुसार उनकी विशेष जरूरतों को सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट प्रावधानों द्वारा एक अलग अध्याय पेश किया जाना चाहिए। उनके दस्तावेजीकरण, खोज प्रक्रिया, प्लेसमेंट सुविधा, चिकित्सा सुविधा और अन्य मनोरंजन कल्याण शैक्षिक गतिविधियों पर नियम बनाए चाहिए। इसमें कहा गया कि जेल विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि जेलों में विशेष रूप से ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए अलग स्नान और शौचालय क्षेत्रों के साथ पर्याप्त सुविधा स्वच्छता सुविधा हो। समिति ने कहा कि प्रवेश के समय प्रत्येक
ट्रांसजेंडर कैदी के लिए सामाजिक मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के बाद एक व्यापक स्वास्थ्य जांच की जानी चाहिए। इसमें कहा गया कि जेल प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि ट्रांसजेंडर कैदी व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं, उन्हें जेल कर्मचारियों बिना किसी प्रतिबंध और आशंका के ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें। तो इस तरीके से इसमें कहा गया है कि ट्रांसजेंडर जो कैदी हैं उनको उस साथ व्यवहार अच्छा करना चाहिए, समान व्यवहार करना चाहिए अन्य कैदियों की तरह। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।